हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है ग्रे मार्केट। जानते हैं आप, अभी आईपीओ का सीजन चल रहा है, यानी बहुत सारा कंपनीज अपने आईपीओ ला रहा है और बहुत सारे कंपनीज तो आईपीओ ला चुके हैं, जैसे कि इंडिगो पेंट्स हो गया, आपका एंटोनी वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, और भी बहुत सारा कंपनी शायद आगे आईपीओ लाने वाला है। तो इस आईपीओ के सीजन में हम लोगों को बहुत बार सुनने को मिल रहा है ग्रे मार्केट के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ग्रे मार्केट क्या होता है, कैसे ग्रे मार्केट काम करता है, ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या होता है, क्यों यह ग्रे मार्केट आईपीओ के टाइम में ही हम लोगों को सुनने को मिलता है, और भी बहुत सारा डिटेल्स हम लोग जानेंगे इस वीडियो में ग्रे मार्केट के बारे में। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नया हैं और जानना चाहते हैं कैसे एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से उस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा जाए और इंटरप्रेट किया जाए, या आप जानना चाहते हैं कैसे ऑनलाइन किसी भी पोर्टल से किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को निकाल के उसे सही तरीके से पढ़ा जाए और इंटरप्रेट किया जाए, तो प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए ग्रे मार्केट के बारे में डिटेल में जानते हैं, चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जान लेते हैं ग्रे मार्केट होता क्या है। जिस मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज उसके ओनर के अप्रूवल के या प्रॉपर ऑथोराइजेशन के बिना बेचा और खरीदा जाता है, वो होता है ग्रे मार्केट। और इस ग्रे मार्केट में कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट, सर्विसेज या कंपनी का शेयर भी हो सकता है, जो ग्रे मार्केट में अनऑथोराइज्डली ट्रेड होता है। तो ये ग्रे मार्केट में जो प्रोडक्ट, सर्विसेज और शेयर्स बिकता है या खरीदा जाता है, तो ये सेटल कैसे होता है? ये टोटली ओवर द काउंटर सेटलमेंट होता है, यानी ये पूरा का पूरा विश्वास के ऊपर सेटलमेंट होता है। इसके अंदर कोई भी एक गवर्नमेंट का रूल्स और रेगुलेशन नहीं चलता है। तो प्रोडक्ट सेटल कैसे होता है, मान लीजिए एक सेलर है और एक बायर है। बायर सेलर को अभी बोल रहा है कि मैं आपके पास जो प्रोडक्ट है उसके बदले में ये प्राइस आपको देना चाहता हूं, और जो सेलर है वो बोल रहा है मेरे पास अभी वो प्रोडक्ट नहीं है, जब वो प्रोडक्ट आएगा मैं उस प्रोडक्ट को आपको दे दूंगा, और आप मुझे अभी जो पैसा दे रहे हैं उसके बदले में मैं बाद में वो प्रोडक्ट आपके साथ सेटल करूंगा। तो ऐसे ही होता है ग्रे मार्केट में ट्रांजेक्शन। ग्रे मार्केट में इनिशियल कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं भी हो सकता है, और अगर सेलर के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो तुरंत ट्रांजेक्शन हो जाता है। मगर यहाँ पे सेटल होगा ही होगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है, यहाँ पे सेटल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं चलता है। तो बाद में अगर सेलर मुकर जाए कि आपने जो पैसा दिया है मैं उसके बदले में आपको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेस या कोई भी शेयर्स मैं आपको नहीं दूंगा, तो यहाँ पे कोई भी जो लीगल प्रोसीड्योर है वो नहीं होगा। तो एक ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, मान लीजिए आने वाले दिनों में एबीसी करके एक कंपनी है जो अपना आईपीओ लाने वाला है, और वो अपना प्राइस बैंड रख रहा है 100 to 105 rupees के अंदर, और जो बायर है अभी वो ग्रे मार्केट में बोल रहा है कि ये जो आईपीओ है इस आईपीओ का अगर शेयर मुझे मिले तो मैं इसको 120 rupees में भी खरीदने को तैयार हूँ। तो ये जो 100 to 105 के अंदर सेलर को मिल जाएगा शेयर, और बायर तब उस शेयर को पहले से ही खरीदने को तैयार है 120 rupees में, तो ये जो 105 to 120 rupees के अंदर 15 rupees का फासला है, यानी कि 15 rupees ज्यादा दे के बायर खरीदना चाहता है, यही 15 rupees हो जाता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ये ग्रे मार्केट में बायर और सेलर कौन कौन हो सकता है? ग्रे मार्केट में बायर और सेलर कोई भी हेज फंड के मैनेजर्स हो सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल बड़े इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, जनरल रिटेल इन्वेस्टर भी हो सकता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, जो ये मान रहा है कि आने वाले टाइम पे अगर ये आईपीओ लिस्ट होता है तो ये प्रीमियम पे लिस्ट होगा, और हो सकता है उसे उस कंपनी का शेयर अलॉटमेंट ना हो। और इस ग्रे मार्केट में जो आईपीओ ट्रेड होता है उसके पीछे मोटिव क्या है? कोई भी बायर को अगर लगता है कि एक आईपीओ है कंपनी का जो लिस्ट होने वाला है एक पर्टिकुलर प्राइस में, और जब वो लिस्ट होगा वो उसके प्रीमियम प्राइस में लिस्ट होगा, यानी अगर कंपनी प्राइस बैंड रख रहा है 100 to 105 rupees, वो जाके लिस्ट होना चाहिए 120 rupees में, यानी 15 rupees प्रीमियम पे वो लिस्ट हो सकता है। और इस टाइप के बायर को ये भी लगता है जब वो शेयर लिस्ट होने वाला है यानी आईपीओ आने वाला है कंपनी का, तो जब शेयर अलॉटमेंट होगा तो उसे कोई भी शेयर नहीं भी मिल सकता है, और वो उस कंपनी का शेयर खरीदना ही चाहता है क्योंकि उसे वो कंपनी पसंद है या वो उस कंपनी में ट्रेड करना चाहता है, एक प्रिडिक्शन लगा रहा है कि ये कंपनी के शेयर प्राइस से उसे मुनाफा हो सकता है। तो ये जो कंपनीज का आईपीओ आता है, ये जो ग्रे मार्केट में ट्रेड होता है, ये क्या लीगल है या इलीगल है? तो इसे हम लोग लीगल भी नहीं कह सकते और इलीगल भी नहीं कहा जा रहा है। देखिए, ग्रे मार्केट में जो आईपीओ का शेयर ट्रेड होता है वहां पे सेबी का कोई भी रूल लागू नहीं होता है, तो सेबी का कंट्रोल ना होने की वजह से ये कोई लीगल नहीं है, और इलीगल भी नहीं है इस वजह से क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और बहुत सारा मीडिया हाउसेस जब कोई भी कंपनी का एक आईपीओ आता है तो वो ये कहता है कि ग्रे मार्केट में इतना प्रीमियम चल रहा है, उतना प्रीमियम चल रहा है, और सेबी इसको
एक इलीगल तरीका नहीं भी बताया है अभी तक। तो ये जो ग्रे मार्केट है ये सेबी के अंडर भी नहीं आता है और सेबी के रूल के अगेंस्ट में भी नहीं आता है। मगर ग्रे मार्केट में जो ट्रांजैक्शन होता है उसके ऊपर कोई भी सिक्योरिटी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा लिया और दिया जाता है या जो शेयर्स एक्सचेंज किए जाते हैं उसके ऊपर कोई भी गारंटी नहीं होता है कि वो जो पे कर रहा है बायर उसके अगेंस्ट में उसे शेयर मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो में यूज किए गए कोई भी फाइनेंशियल टर्म अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, या आप आने वाले दिनों में कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं या कोई भी स्पेसिफिक सीरीज चाहते हैं मैं स्टार्ट करूं, तो उसके बारे में नीचे कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो स्टॉक मार्केट और फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।